हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि यह संविधान द्वारा प्रदत्त जो मानवाधिकार हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार जैसे अधिकारों की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वह बहुसदस्यीय संस्था है और इसके अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। और अभी इसके जो चेयरपर्सन है वो अरुण कुमार मिश्रा हैं, जो कि इसके 8वें चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष और इसके सदस्य होते हैं, इन्हें इनके पद से हटाया भी जा सकता है। इनको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच में अगर इनके प्रति दुराचार या असमर्थता का कोई आरोप सिद्ध होता है तो उस केस में हम इन्हें हटा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत 5 विभाग आते हैं, जिसमें विधि विभाग हो गया, जांच विभाग हो गया, नीति अनुसंधान एवं कार्यक्रम विभाग हो गया, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। नेक्स्ट हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में बात करेंगे। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस युवा लड़कियों की आवाज को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम है वो डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन है। इसके साथ साथ इस जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसकी शुरुआत युवा महिलाओं के समक्ष जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में की गई। इसके साथ साथ वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित महिला विश्व सम्मेलन के दौरान युवा और संवेदनशील महिलाओं पर केंद्रित एक कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस हुई, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण जैसे लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस महिलाओं और लड़कियों, जो कि विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट हम स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के बारे में बात करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान किया है। यदि इसके सभी सदस्य इसको मान्यता देते हैं तो वर्ष 1948 के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का इस प्रकार का पहला अधिकार होगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंधित 30 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। मानवाधिकारों की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी, लेकिन उन मानवाधिकारों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को किसी भी रूप में कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार 1972 के स्टॉकहोम घोषणा में निहित है, जिसे लोकप्रिय रूप से मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें पर्यावरण नीति के सिद्धांत और सिफारिशें शामिल थी।
केयरिंग फॉर द अर्थ 1991 और 1992 के अर्थ समिट ने भी घोषित किया कि मनुष्य प्रकृति के साथ एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन का हकदार है। स्वस्थ पर्यावरण का मानव अधिकार नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों के पर्यावरणीय आयामों को एक साथ लाता है और प्राकृतिक पर्यावरण के मूल तत्वों की रक्षा करता है जो कि गरिमापूर्ण जीवन को सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट हम जीवन के अधिकार के बारे में बात करेंगे। जीवन के अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत जीवित रहने का अधिकार, जीवन की गुणवत्ता, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार शामिल है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए जिसमें अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A है, जो कि भारतीय संविधान को पर्यावरण संरक्षण का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला संविधान बनाते हैं। अनुच्छेद 48A की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 51A के तहत पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट हम भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1989, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा इसका गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा इसके सदस्यों की बात करें तो इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों देशों से मिलकर हुआ जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए और भारत को जनवरी 2019 में 3 साल के अवधि के लिए इसका सदस्य चुना गया। फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।